मां बगलामुखी धाम नजदीक लम्मापिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने नवग्रह पंचोपचार षोडशोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन मां बगलामुखी जी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान विक्रांत भसीन से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहूतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार एक छोटा बीज विशालकाय वृक्ष देने में सक्षम होता है, उसी प्रकार एक छोटा पाप हमारा अनर्थ करने में पूर्णता सक्षम होता है। इस अवसर पर राजेंद्र कत्याल, रोहित बहल, एडवोकेट राजकुमार, मुकेश चौधरी, दिशांत, राकेश महाजन, जसविंदर सिंह, बाबा जोशी, सुरेंद्र सिंह, संजीव शर्मा, शेखर सेठ, मधुकर कत्याल, मानव शर्मा, अभिलक्ष्य चुग, अशोक शर्मा, सुरेंद्र, सौरभ मल्होत्रा, राजेश मेहता, दिलीप कुमार, मोहित बहल, नीटू, साहिल, मनोज चड्डा, विनोद खन्ना, सुमित, दिशांत, संजीव, गीतेश, यज्ञदत्त, अश्विनी शर्मा, बाबा खन्ना, राजीव, राकेश, ठाकुर बलदेव सिंह, विनोद खन्ना, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस, दिनेश चौधरी, रवि कुमार, पंकज, मानव शर्मा, दीपक सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण मौजूद रहे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। जय माँ बगलामुखी जी। अज माँ बगलामुखी धाम जो कि गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौंक में स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के अज सप्ताहिक जड़ा वीरवारी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। बहुत दूरों दूरों संगत सवेर तो ही आईया हुई सी हवन यज्ञ शामिल हो, और संगत का उत्साह ठाठा मारदा सी। हवन यज्ञ दे विच संगत ने पहुँच के आहुतियाँ डालियाँ और अपने अपने जो भी महामाई के चरणों के श्रद्धा सुमन सी वो भेंट किए हैं। मैं इस दे नाल नाल दसना चाहना कि 27 तरीक न मासिक हवन यज्ञ का आयोजन एक भव्य किया जा रहा, जो कि अलौकिक हवन यज्ञ हों। इस दूरों दूरों संगत ने शामिल होना है। कोई भी इस मुख्य यजमान के रूप से शामिल होना चाहे तो वह अपना नाम मंदिर परिसर जाके लिखा सकता है। इस दे नाल ही मैं दसना चाहना कि महाशिवरात्रि के उत्सव से भोलेनाथ जी के निमित्त रुद्राभिषेक का एक विशेष आयोजन किया जा रहा, जिहड़े मंदिर के सारे सेवादार कर रहे हैं। कोई भी इस शामिल होना चाहे तो वह अपना नाम आके मंदिर परिसर च लिखा सकता। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहता कि पांच पैर की पूजा भोलेनाथ जी के निमित्त शिवरात्रि वाले दिन रात को 9 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक जारी रहेगी। कोई भी पांच पैर की पूजा अटेंड करनी चाहता है तो मंदिर परिसर च आके अपना नाम लिखा सकता। उस तो उपरांत हवन यज्ञ हुंदा है, जिस तरह की हमेशा की तरह असी लगातार प्रभु जी के चरणों के प्रणाम करते हुए और इदा ही धर्म का संचार करते हुए आशीर्वाद मंगते हैं उन्हों का, और यही कामना करते हैं कि सारे जिन्हें भी महाराज के सेवादार है वो सुखी होन और उन्होंने परिवार के उत्ते आशीर्वाद का हाथ प्रभु का रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय।